नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। देश में पिछले कुछ सालों से देश के पहलवान चर्चाओं में बने हुए हैं। वजह है उनका शोषण। जी हां, महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण चरण सिंह ने उनके साथ शोषण किया था। महिला पहलवानों ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। जो देश के मेडल लेकर आए वो सड़कों पर लौटते नजर आए। लेकिन अब तक इस मामले में दोषी कौन है कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन अब इसी बीच भारत के लिए पेरिस ओलंपिक से शानदार खबर ये आई है कि पहलवान विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं, जिसके बाद सभी ये कह रहे थे कि अब बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। लेकिन आज अचानक से एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई कि गोल्ड मेडल जीतने के दावेदार पहलवान विनेश फोगाट फाइनल मैच से पहले ही बाहर हो गई हैं। कहा गया कि वो ओवरवेट हैं। इसके बाद अब विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है और कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट साजिश के अखाड़े में हारी गई हैं। देखिए रिपोर्ट और जानिए कैसे पेरिस ओलंपिक में विनेश की हार का क्या है सियासी कनेक्शन। क्या विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से कुछ घंटे पहले विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। रिपोर्ट है कि भारत इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराने वाला है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ से विरोध दर्ज करने को कहा है। इस बीच राजनेता से लेकर खेल के जानकार और किसान नेता तक इस मामले में साजिश रचे जाने की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि कल जैसे ही विनेश फाइनल में पहुंची तो एक बार फिर से बृजभूषण चरण सिंह का मुद्दा उठ गया था। कहा जा रहा था कि बीजेपी ने जिस बेटी की एक नहीं सुनी वो बेटी देश के लिए फिर मेडल लेने जा रही है, और अचानक से उनको मुकाबले से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद से लोग साजिश की आशंका जताने लगे हैं। विपक्ष से लेकर कई संगठनों से इस विषय में आवाज उठी है। किसने क्या कहा वो भी बता देते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, ये एक बेहद दुखद खबर है कि देश की बेटी को कोई अखाड़े के मैदान में नहीं हरा पाया, लेकिन साजिश के अखाड़े में हरा दिया गया है। देश का एक मेडल आज राजनीति का शिकार हो गया। ये देश इस दिन को कभी नहीं भूल सकता। वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मामले की जांच पड़ताल कर इसके पीछे की असली वजह का पता लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा, विनेश फोगाट के फाइनल में ना खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इस संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान, विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। स्पोर्ट्स के जानकार पंकज मिश्रा ने लिखा, ओलंपिक टीम के साथ बड़ा सपोर्ट स्टाफ होता है। खिलाड़ी बस खेल पर केंद्रित होता है। भोजन, पानी, रहना, सोना, मालिश, दवा, इलाज, नियम कानून का ध्यान रखना, टीम प्रबंधन, टेक्निकल टीम, सहायक स्टाफ, कोच आदि की जिम्मेवारी है। कल 300 ग्राम कम था, आज 100 ग्राम ज्यादा, यानी सपोर्ट स्टाफ की साफ लापरवाही है। पप्पू यादव ने भी षड्यंत्र की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट फिर से अन्याय का शिकार हुई है। हालांकि साजिश थ्योरी के खिलाफ भी तर्क रखे जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा फैसला आना जरूर हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज कराया था। किसी भी ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाने वाली वो पहली महिला पहलवान बनी थी, लेकिन एक दिन में सब कुछ बदल गया और गोल्ड मेडल के दावेदार इस धुरंधर को ओलंपिक से ही बाहर होना पड़ा। देखा जाए तो पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में फाइनल मुकाबले में अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि वो अपने 50 किलोग्राम स्वर्ण पदक मुकाबले में निर्धारित वजन को कायम नहीं रख सकी। अब विनेश फोगाट के डिसक्वालीफाई होने पर पूरे देश में आक्रोश है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कहीं ये साजिश तो नहीं, कहीं राजनीति तो नहीं, क्योंकि महज कुछ किलोग्राम के वजन ज्यादा होने पर इस तरह से फाइनल में डिसक्वालीफाई होना साधारण नहीं लग रहा है। फिलहाल इसमें साजिश है या केवल नियम का पेच, ये वाकई अब जांच का विषय है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।